और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से, जहां सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। सेना ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए दो आतंकवादियों को मार गिराया है। तो वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के डोडा इलाके में मुठभेड़ अभी जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक डोडा के कश्तीगढ़ इलाके में ऑपरेशन चल रहा है। मुठभेड़ के दौरान दो जवान घायल हो गए हैं। डोडा में आतंकियों के खिलाफ आज सुरक्षा बलों के ऑपरेशन का चौथा दिन है। सेना हेलीकॉप्टर की मदद से जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक के बाद एक इस तरह की मुठभेड़ सामने आ रही है, एनकाउंटर सामने आ रहे हैं और डोडा में आतंक का पूरा हिसाब किया जाएगा। जानकारी है कि कुपवाड़ा में दो घुसपैठिए ढेर किए गए हैं। और इसी से जुड़ी हुई एक और अहम खबर आपको बता दें, डोडा जिले के देसा इलाके में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का आतंक विरोधी अभियान आज चौथे दिन भी लगातार जारी है। इस पूरे इलाके में करीब करीब 25 से 30 आतंकियों के एक्टिव होने की खबर है। हमारे संवाददाता रजत वोहरा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। डोडा के देसा और कासीगढ़ में इस समय एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है। पिछले तीन दिनों से सिक्योरिटी फोर्सेस को इनपुट जो मिले थे उसके आधार पर जो ऑपरेशन शुरू किया गया, उसके बाद चप्पे चप्पे पर पूरे अगर बात करें तो डोडा में निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा रामबन, डोडा, किश्तवाड़ के तीनों जिलों में पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, क्योंकि लगातार इनपुट मिल रहे हैं कि 30 से 40 स्क्वेयर किलोमीटर के एरिया में करीबन 25 से 30 आतंकी जो है वो लगातार एक्टिव है। ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेज लगातार पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर यहां पर निगरानी रखे हुए हैं और लगातार ऑपरेशन साइट पर आप देखिए किस तरह के घने जंगल हैं, धुंध लगातार पड़ी हुई है और सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार जो हैं वो ऑपरेशन आगे कंडक्ट कर रहे हैं। पूरी तरह से आतंकी जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने ट्रैप यहां पर किए हुए हैं और इनपुट लगातार ये है कि कहीं ना कहीं जो आतंकी हैं वो इन्हीं जंगलों में छुपे बैठे हैं जिनको ढेर करने के लिए। आप देखिए लगातार जो तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें ग्राउंड जीरो से आपको बता रहे हैं किस तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर अत्याधुनिक हथियारों के साथ यहाँ पर तलाशी अभियान कर रहे हैं और किसी भी समय यहाँ पर आतंकियों के साथ जो टाकरा है वो हो सकता है और उन्हें ढेर करने के लिए तेजी से यहाँ पर ऑपरेशन जारी है। लगातार आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से बस्ते बचाते सिक्योरिटी फोर्सेज लगातार जो घने जंगल हैं, जो धुंध इस समय पड़ी हुई है, आतंकी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से यहाँ से निकला जा सके, बचा जा सके। बट आप देखिए पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज निगरानी यहाँ पर बनाए हुए हैं और चप्पे चप्पे पर यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं कि कहीं आतंकी यहां से भाग ना निकले। 25 से 30 आतंकियों का इनपुट है करीबन डोडा के ही 30 से 40 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में और उसके बाद पूरे इलाके को यहां पर सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है। लगातार आपको बता दें करीबन 6 अतिरिक्त जो यहां पर कंपनियां हैं वो भारतीय सेना की कठुआ जिले में तैनात की गई हैं। इसके अलावा अपर रीचेस पर भारी मात्रा में जो सेना की जो फोर्सेज है वो यहां पर तैनात की गई है। इसके अलावा लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ चप्पे चप्पे पर यहां पर पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है, निगरानी रखी हुई है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को ढेर कर दिया जाए। कश्मीर घाटी में पूरी तरह से फेल होने के बाद कहीं ना कहीं आतंकियों की कोशिश है कि जम्मू को एक बार फिर से आतंक का कैपिटल बनाया जाए, पर जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस के यहाँ पर इरादे हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अगर आतंकियों ने यहाँ पर फिर से पैर पसारने की कोशिश की तो उन्हें ऐसा घाव मिलेगा कि पाकिस्तान में बैठे उनके आका सदियों तक ये सोचते रहेंगे कि किस तरह से हम वापस वहाँ पर घुसपैठ करें या कोशिशें करें। पर लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज चप्पे चप्पे की निगरानी यहाँ पर रखे हुए हैं और कोशिश है कि आतंकियों को पूरी तरह से यहाँ पर खदेड़ दिया जाए। जर्नलिस्ट मानिकेनी, सदर जतपुरा, जी मीडिया, डोडा के जंगलों। तो डोडा से अभी आपने रजत वोहरा की एक्सक्लूसिव और साहसिक रिपोर्ट देखी। वैसे डोडा में आतंकियों से जो मुठभेड़ चल रही थी उसमें दो जवान भी घायल हुए हैं और आज हेलीकॉप्टर से उनको एयरलिफ्ट किया गया है। घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां घायल जवानों का इलाज जारी है। ये देखिए दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, घायल जवानों को किस तरह से एयरलिफ्ट किया गया हेलीकॉप्टर के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल में पहुंचाया गया है घायल जवानों को और दोनों का इलाज वहां पर चल रहा है। ये डोडा में जो एनकाउंटर हुआ है उसमें दो जवान जख्मी हुए थे, घायल जवानों को एयरलिफ्ट करके अस्पताल तक किस तरह पहुंचाया गया उसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। Z News।